औरंगाबाद में पुलिस निरीक्षक के और थानाध्यक्ष ने जनप्रतिनिधियों के साथ की बैठक। न्यायालय में दो पक्षों में चल रहे विवाद पर चर्चा। 10 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत का होगा आयोजन। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज में छात्र जन संदेश यात्रा एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने निकाली यात्रा। पर्यावरण को बचाना हमारा संकल्प। बेतिया में वर्तमान सभापति गरिमा देवी सिकरिया के सराहनीय पहल। निजी कोष से निःशुल्क भोजन वितरण शिविर। 50वें दिन भी दर्जनों लाचार और जरूरतमंद पहुंचे। समस्तीपुर में मूसलाधार बारिश से लोगों का जीना मुहाल। घरों में बारिश का पानी घुस जाने से लोग परेशान। जिला प्रशासन और नगर निगम जल जमाव से निजात पाने में असमर्थ। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। अब सीधे रुख करते हैं खबरों की ओर। तेजस्वी यादव के बयान को लेकर बिहार में सत्ता पक्ष के बीच काफी गहमा गहमी देखने को मिल रही है। नेता प्रतिपक्ष ने अपने विधानसभा क्षेत्र में जनता के बीच 3 महीने में बिहार में एनडीए सरकार के गिरने का दावा किया है। इसके इस बयान पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने तेजस्वी पर उनके शासनकाल में किए गए कामों को याद दिलाते हुए टिप्पणी की। उनके साथ दिक्कत क्या है कि बेचारे पूरे कोरोना काल में तो गए नहीं, बाढ़ में कभी गए नहीं, आए हैं नहीं काम करने का एक झूठा सांत्वना दे रहे हैं। जो खुद पथ निर्माण मंत्री रहे उसके बाद उनको नाव से अपने क्षेत्र में जाना पड़ रहा है। यही बताता है कि अगर उनकी कभी सरकार गलती से आ गई होती तो बिहार का क्या। उनके साथ वहीं कन्नौज में जिला पंचायत सदस्य के चुनाव के समय बागी तेवर देखने को मिला। चुनाव लड़ने को लेकर प्रिया शाक्य को एक प्रेस नोट जारी कर निष्कासित कर दिया गया था। वहीं अब जब जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव सामने आया तो अचानक ही उन्हें बीजेपी में शामिल किए जिला पंचायत अध्यक्ष का प्रत्याशी बना दिया गया। वहीं जब पत्रकारों द्वारा इस मामले को लेकर सवाल पूछा गया तो पूर्व राज्य मंत्री बीजेपी विधायक अर्चना पांडे घबरा गईं और इस विषय में पूर्व राज्य मंत्री बीजेपी के शीर्ष नेताओं से जवाब लेने की बात कही है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। पार्टी संगठन के द्वारा जो भी निर्णय आता है उसको सहज स्वीकार करना और उस पर अमल करना, ये हमारे लोगों के सैद्धांतिक प्रक्रिया है और उस पर हम लोगों ने अमल किया। प्रिया, हमारे प्रिया के हस्बैंड, प्रिया के पति ओमकार शाह के हमारे युवा मोर्चा के विधायक अध्यक्ष थे और उन्होंने टिकट का आवेदन किया था, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी जिसके कारण हम प्रिया को टिकट नहीं दे पाए। प्रिया चुनाव लड़ी और प्रिया चुनाव जीती। पार्टी के द्वारा फिर निर्देश आया कि इस तरह के लोग जो भारतीय जनता पार्टी में पदाधिकारी रहे हैं और वो चुनाव जीत गए हैं, किसी कारणवश हम उनको टिकट नहीं दे पाए, चुनाव जीत गए, उनको तत्काल पार्टी में शामिल किया गया। शामिल किया और मुझे लगा कि प्रिया हमारी बहुत अच्छी कार्यकर्ता है और बहुत अच्छे तरीके से चुनाव हम लड़ सकते हैं, इसलिए हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी। वहीं कोरोना काल के इस विकट परिस्थिति में अपनी जान को जोखिम में डालकर पत्रकार काम कर रहे हैं, लेकिन राज्य में पत्रकारों को अभी तक फ्रंटलाइन वर्कर्स का दर्जा नहीं दिया गया है। इस सवाल पर कांग्रेस का कहना है कि यह सिर्फ एक राज्य के पत्रकारों का नहीं बल्कि पूरे देश के पत्रकारों की मांग है। इस पर केंद्र सरकार निर्णय लेकर गाइडलाइन तैयार करे तो राज्य सरकार उसका अनुपालन करेगी। है कि हम लोग भी चाहते हैं कि जो पत्रकार कोरोना वॉरियर हैं उनको वो सुविधाएं उनको मिले, लेकिन ये पूरे देश का डिमांड है। ये सिर्फ किसी एक राज्य के पत्रकारों का यह मांग नहीं है, यह मांग पूरे राष्ट्रीय स्तर पर पत्रकारों ने किया है। तो हमें लगता है कि अगर केंद्र सरकार इस पर कोई निर्णय ले या इस पर कोई गाइडलाइन तैयार करती है तो हम अक्षरशः तैयार हैं उस गाइडलाइन को फॉलो करने के लिए। तो क्योंकि यह पूरे देश की बात है और जब देश की बात है तो हमारा देश तो संघीय ढांचा प्रणाली है इस देश में। केंद्र सरकार का निर्णय, कभी कभी तो केंद्र सरकार कोई अच्छा निर्णय ले। इस पे है कि हम लोग भी चाहते हैं कि जो वहीं
वहीं यूपी में वर्तमान में जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव लग रहे प्रत्याशी कुर्सी पर बैठने के लिए शाम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज ऐसा ही एक वीडियो रायबरेली के छतोह में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वायरल वीडियो में छतोह ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी पर बैठने के लिए रुपयों का लेन देन किया जा रहा है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं और एक व्यक्ति द्वारा मेज पर चार नोटों को की गड्डिया रखे हैं और दूसरा व्यक्ति पैसे उठाकर झोले में भरता है। फिलहाल इस वीडियो के वायरल होते ही क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है, लेकिन पुलिस ने इस वीडियो पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। अरे दाल के दोनों गिरे हैं ना, हम गिरे हैं ना, जैसे गिरे वैसे लगे तो बस उठा के बोलने लगे। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये काफी तेजी से सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि वीआईपी न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वही बिहार से एसआईटी का रिजल्ट जारी होते ही इसके खिलाफ विरोध की आवाज उठने लगी है। विरोध का ताजा नजारा मधेपुरा से सामने आया है, जहां ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन की ओर से विश्वविद्यालय के गेट के पास धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान यूनियन की ओर से बिहार के सीएम और शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया गया। यूनियन की ओर से जारी किए गए रिजल्ट में बड़े पैमाने पर धांधली किए जाने का आरोप लगाया है और धांधली की जांच करवाने की मांग भी की गई। बहुत बड़ा धांधली हुआ है, यह सरकार जब से कंपनी है सहयोग सरकार बन गई है, यह बहुत बड़ा घोटाला है। शिक्षा मंत्री जो है वेलफॉर्म प्राइवेट कंपनी को देकर के गरीब जनता को छात्र को मारना चाहती है, ये नहीं सोचती है यहाँ के सर आदमी को नौकरी मिले। ये बहुत बड़ा घोटाला किया हुआ है, इसमें बहुत बड़ा धांधली किया गया है। ऐसा कोई भी अभी तक परीक्षा नहीं हुआ जिसमें धांधली नहीं किया है। आज मधेपुरा में ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन के द्वारा बिहार के शिक्षा मंत्री और बिहार के भ्रष्ट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया है। जैसे ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश कुमार ठगा नहीं, उसी तरह यहाँ पर एक भी ऐसा बहाली नहीं है बिहार में जिसमें घोटाला नहीं होता है। और अभी विगत दो दिनों पहले जो एसटीईटी का रिजल्ट आया है, एक तो चार साल पांच साल पहले एग्जाम होता है, उसके बाद गरीब छात्रों का रिजल्ट नहीं दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ पैसे लेकर के हीरो हीरोइन का रिजल्ट बिहार में दे दिया जाता है। अब बिहार में छात्र कम पढ़ते हैं, हीरो हीरोइन। वहीं झारखंड पिछड़े राज्यों में जाना जाता है, यहाँ कई ऐसे लोग हैं जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वर्ग में आते हैं। यहाँ राजनीति भी उनको मुद्दा बनाकर ही की जाती है। बावजूद इसके बिहार से अलग होने के बाद झारखंड में कई ऐसे क्षेत्र हैं जो मूलभूत सुविधाओं से दूर है। इन्हीं में से एक है चतरा का एक टोला, जहाँ के लोग आज भी विकास की राह देख रहे हैं। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। विकास के दावों की खुली मूलभूत सुविधाओं से अभी भी वंचित हैं ग्रामीण। हाथों में चप्पल लेकर चलने को मजबूर ग्रामीण, पांव में छाले और विकास के दावे, हर तरफ कचरों का अंबार है, सोती हुई सरकार है। झारखंड बनने के 21 साल के बाद भी गांव में विकास की किरण अब तक नहीं पहुंच पाई। सरकारी दावों के विपरीत अनुसूचित जाति बाहुल्य तीतरटांड में अभी तक मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। हक तो ये है कि गांव के लोग खराब सड़कों के कारण हाथों में चप्पल लेकर गांव से बाहर निकलते हैं। दरअसल गांव से बाहर निकलने वाली कच्ची सड़क पूरी तरह से कीचड़ में तब्दील है। तस्वीर चतरा जिला के जांगी पंचायत के तीतरटांड टोला की है। इस टोला में ना तो बिजली है, ना ही स्वास्थ्य सुविधाएं, ना तो स्कूल, ना ही सड़क, ना ही पेयजल की व्यवस्था। ऐसे में ग्रामीण कई सुविधाओं से दूर हैं और इस अभाव में अपना जीवन काटने को मजबूर हैं। यहाँ पे बिजली, स्वास्थ्य, रोड, आंगनबाड़ी, स्कूल, यहाँ मूल रूप से कोई सरकार का सुविधा नहीं है सर। यहाँ पे अगर जाना भी पड़ने पड़ता तो 1.5-2 किलोमीटर यहाँ से कुछ दूरी जाना पड़ता है पढ़ने के लिए।
अगर किसी तरह कोई अगर यहाँ तबियत खराब हो जाए तो वहाँ मतलब यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर जाने में कार निकालने या एम्बुलेंस निकालने में बहुत सी प्रॉब्लम होती है सर। जल पीने का भी व्यवस्था नहीं है, 1-2 मिला हुआ है सर, वो पीने लायक नहीं है, पूरा नदी से वो पानी भर जाता है। और आने जाने की रोड तो बिल्कुल ही खराब है, मतलब गाड़ी यहाँ से आ जाना बिल्कुल ही मतलब ना के बराबर है। दीपका यही है सर कि मेरा गांव में कोई साधन नहीं है, मेरा गांव में स्कूल भी नहीं है, मेरा गांव में लड़का बच्चा पढ़ने जाता है तो कादो माथिन जाता है, 1.5-2 किलोमीटर जाते हैं यहाँ से, यहाँ पर कोई साधन नहीं है। अगर चापाकल मिला है वो चापाकल से गंदा पानी है, वहीं से हम लोग गुजर कर रहे हैं, पानी पूरा पी रहे हैं और हम लोग के यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। विकास का दावा करने वाली सरकार की जमीनी हकीकत की ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं, जहां महिलाएं हाथों में चप्पल लिए घरों से निकल रही हैं क्योंकि सड़कों पर कीचड़ भरा है। जहां बिजली विभाग के द्वारा मीटर और बिजली का बोर्ड तो लगा दिया गया पर बिजली के तार का कोई अता पता नहीं है। पूरे क्षेत्र में बस मात्र एक चापाकल है जिससे पानी तक साफ नहीं आता। मजबूरन लोग तकरीबन 2 किलोमीटर दूर जाकर पानी लाते हैं। अगर पंचायत के मुखिया के माने तो मुखिया के फंड से जो काम किया जा सकता था वो किया जा रहा है, पर गांव में विकास के लिए अन्य जनप्रतिनिधियों को भी सामने आना पड़ेगा और मदद के लिए हाथ बढ़ाना पड़ेगा। सड़क के तो देख रहे हैं कि स्थिति बहुत गंभीर है, बहुत जाने आने में बहुत जनता के दिक्कत होता है, हम भी जाते हैं तो मेरा भी दिक्कत होता है, क्योंकि हम बनाने लायक नहीं है तो उतना कहाँ से बना सकते हैं, पूरा लंबी चौड़ा है तो कि टोला बाय टोला होता है, तो स्कूल गांव बाय गांव में होता है, एक गाँव में एक स्कूल होता है, तो स्कूल भी है आंगनबाड़ी भी है, इसमें टोला में जैसे की आंगनबाड़ी भी होना चाहिए, स्कूल भी होना चाहिए, दूसर की लाइन का भी व्यवस्था होना चाहिए, सड़क भी होना चाहिए, स्वास्थ्य भी होना चाहिए। टापू में है दिक्कत में है तो कैसे ठीक होगा? अब जहां तक मुखिया के अंदर का चीज है वहां तक तो जैसे करेगा, अभी तो जैसे हल्का हल्का फंड रोड जैसे कि देता है फेवर ब्लॉक रोड, तो अपना फेवर रोड जैसे कि लाख ये नहीं, 2-3 किलोमीटर लंबी रोड है तो मुखिया के फंड से तो हो नहीं पाएगा। यदि डीसी चाहेंगे तो इसका जैसे कि टेंडर करके कोई दूसरा विभाग से जैसे कि बनवा सकते हैं। पंचायत की हालत दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती चली जा रही है पर इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। विकास के दावे करने वाली सरकार को जरूरत है विकास के दावे को धरातल पर उतारने की, जिससे लोगों तक सुविधाएं पहुंच सके और इस गांव के साथ पूरे राज्य का विकास मुकम्मल हो। वीआईपी न्यूज के लिए चतरा से संवाददाता विकास कुमार के साथ खुशबू राय की रिपोर्ट। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विकास कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विकास, जिस तरीके से अभी हम देख रहे थे कि गांव के लोग अभी भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, गांव में अभी तक विकास नहीं पहुंच पाया है, विकास? जी निश्चित तौर पर न्याज बता दें कि सरकार जिस तरह से सरकार विकास की लाख जो दावे कर रही है जी, कहीं ना कहीं विकास की सरकार की दावों को यह खोखला करती नजर आ रही है। जी नियाज जी, विकास, क्या ग्रामीण जिस तरीके से परेशानियों का सामना कर रहे हैं तो ग्रामीणों ने इसको लेकर के शिकायत तो की होगी, अर्जी तो लगाई होगी कि इस तरीके की हम समस्याओं को झेल रहे हैं, इसको इसका समाधान निकाला जाए? जी निश्चित तौर पर ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि हम लोगों ने मुखिया से लेकर के अन्य जनप्रतिनिधियों तक अपनी आवाज पहुंचाई, लेकिन किसी ने इस मामले पर नहीं संज्ञान लिया। तो जनप्रतिनिधियों का क्या कहना है, क्यों नहीं, आखिर उन्होंने क्यों नहीं संज्ञान लिया? जी देखिए, ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि नेता आते हैं, जनप्रतिनिधि आते हैं, चुनाव में लाख दावे करके जाते हैं और उसके बाद अपनी झलक तक नहीं दिखाते, और किसी भी तरह का जब समस्या होता है हम सबों को अपने से लेकर जनप्रतिनिधियों तक पहुंचना पड़ता है, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो नेता सांसद हो,
चाहे अन्य जनप्रतिनिधि हो। जी नियाज बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो विकास के दावों की पोल खुलती हुई नजर आई है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से ग्रामीण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ ग्रामीणों को सामना करना पड़ रहा है। कच्ची सड़कें हैं और उन्हें आज भी चप्पल उतारकर चलना पड़ता है, जिससे ग्रामीणों को काफी परेशानी की व्यवस्था हो रही है। तो विकास के लाख दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इस विकास की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। वहीं पेट्रोलियम पदार्थों के दाम में हो रही लगातार वृद्धि के कारण आम जनता परेशान है। वहीं मध्य प्रदेश के अनूपपुर में डीजल के दाम 100 के ऊपर पहुंच गए हैं। यहां पहली बार जब डीजल के दामों में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है और डीजल के दाम 100 रुपए दर्ज किए गए हैं। डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ने से आम जनता खासकर किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में बेतहाशा वृद्धि से युवाओं में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, ऐसे नारे हमको गाए बजाए सुनने को मिलते थे जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बहुत ज्यादा होती थी। तब भी मनमोहन सिंह की सरकार, कांग्रेस की सरकार उस पर अपना वेट हटाकर टैक्स नहीं लगाकर देश के लोगों को कम दर में उपलब्ध कराती थी। आज आप देख रहे हैं कि डीजल भी शतक पार कर गई है, पेट्रोल तो पहले ही शतक पार कर गया है, डीजल आज अनूपपुर जिले में शतक पार कर गई है, 100 के पार हो गई है। मोदी जी को मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ, कच्चे तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम है, उसके बावजूद आप जनता को महंगे दर में पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध करा रहे हैं, उसमें कमाई कर रहे हैं, निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको जनता को राहत देनी पड़ेगी। युवा कांग्रेस और कांग्रेस अब निर्णायक लड़ाई बल्कि आर पार की लड़ाई महंगाई के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार। वहीं झारखंड में टीकाकरण को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत एकता मंच ने अपने सभी कार्यकर्ताओं से अपील की है कि जहां तक हो सके पूरे जिले में सभी कार्यकर्ता टीका अवश्य लगवाएं और साथ ही रामगढ़ में बने 403 बूथों पर जिला स्तरीय कार्यकर्ता मिलकर ग्रामीणों के घर घर जाकर इस कोरोना महामारी के बारे में जानकारी दे और टीकाकरण के लिए उन्हें अवश्य जागरूक करें। सोनभद्र के सदर तहसील रॉबर्ट्सगंज स्थित देवरी गांव के एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी छात्र जनसंदेश यात्रा निकाला और पर्यावरण बचाने के लिए लोगों को जागरूक करते हुए वृक्षारोपण किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता एनएसयूआई राष्ट्रीय संयोजक विवेक सिंह पटेल और नेतृत्वकर्ता एनएसयूआई जिला अध्यक्ष आकाश कुमार ने की। और सराय केला में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां नीमडी क्षेत्र के चांडिल स्टेशन के पास टेम्पो और ट्रेलर में जोरदार टक्कर हुई, जिससे दुर्घटना स्थल पर ही 2 लोगों की मौत हो गई और 4 गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना करीब सुबह 7 बजे की बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार टेम्पो जारिया डीह से रघुनाथपुर की ओर जा रही थी। घटना की सूचना मिलने के बाद नीमडीह थाना के पुलिस पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर छानबीन कर रही है। इस दुर्घटना के बाद भाजपा के चांडिल प्रखंड अध्यक्ष खगेन महतो और वहां उपस्थित ग्रामीणों ने सड़क पर सरकार से स्पीड ब्रेकर लगाने का मांग किया। तो तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। दुर्घटना स्थल पर 2 की मौत हो गई है और 4 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये घायलों को अस्पताल में भर्ती करा करके उनका इलाज चल रहा है।
तो सरायकेला में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। आपको बता दें कि नीमडीह क्षेत्र के चांडिल स्टेशन के पास टेम्पो और ट्रेलर में जोरदार टक्कर हो गई। यूपी की राय बरेली पुलिस अपनी कार्यशैली के चलते आए दिन सुर्खियों में बनी रहती है। कभी जिले में बढ़ते अपराधों पर अंकुश न लगा पाने की वजह से तो कभी अपने कारनामों की वजह से। रायबरेली के गदागंज पुलिस उस समय चर्चा में आ गई जब ग्रामीणों द्वारा एक युवक को अवैध तमंचे के साथ पकड़कर पुलिस को सौंपा गया, लेकिन देर रात पुलिस ने युवक को छोड़ दिया जबकि युवक हाथों में असलहा लेकर दो लोगों को मारने की बात कह रहा है। बिहार में मानसून के आते ही कई नदियां उफान पर हैं। नदियों के जलस्तर में हो रही वृद्धि से कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। नदी किनारे बसे कई गांव में बाढ़ का पानी भी घुस गया है। मुजफ्फरपुर के मुशहरी प्रखंड स्थित मधोपुर पंचायत में अकबरपुर से बहादुरपुर को जोड़ने वाली टोनी बांध बूढ़ी गंडक के तेज धार के कटाव के कारण धराशायी हो गई। टोनी बांध में कटाव की सूचना पर मुशहरी अंचल अधिकारी और आपदा प्रभारी मौके पर पहुंचे और मनरेगा के तहत मिट्टी भरवाने का निर्देश दिया। हमारे पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत अब्दुल नगर उप माधोपुर प्रखंड मुशहरी मुजफ्फरपुर में अभी बाढ़ का स्थिति बहुत ही भयावह हो चुका है। अभी अभी वर्तमान में बहादुरपुर का एक बांध बना था, वो बांध भी कट चुका है। ग्रामीणों को रहने के लिए उच्च स्तर का चयन किया गया है, वहाँ लोग शरण लेकर रह रहे हैं। बड़े पदाधिकारी कोई आए थे यहाँ बांध का निरीक्षण करने टूटने पर? सीओ साहब आए थे और आपदा प्रबंधन के प्रभारी महोदय आए थे और डीएम साहब से बड़े उप समर्थता से और अनुमंडल पदाधिकारी से मार्गदर्शन लेकर के अब चले गए। वहीं पिछले कुछ दिनों से बिहार तबाहियों के दौर से गुजर रहा है। कभी कोरोना महामारी तो कभी बाढ़ ने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। राजधानी में कई मंत्रियों के बंगले में पानी घुसा है तो दूसरी ओर पूर्वी चंपारण के बंजरिया प्रखंड के दर्जनों गांव बाढ़ के पानी में डूबा हुआ है। लोग तबाही में जी रहे हैं। इसी बीच एक तस्वीर आई है जिसमें एक शख्स ने अपनी माँ को इलाज के लिए पानी में खाट पर रखकर 14 किलोमीटर दूर अस्पताल पहुंचाया। तस्वीरों में आप तो साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से नाव पर खाट और उस खाट पर सोई बीमार महिला को किस परिस्थिति में अस्पताल तक पहुंचाने का जद्दोजहद किया जा रहा। हमनी के कोनो साधन नहीं थे, जब बाढ़ आ जाता था जल के खटिया पर लटका था, डेगी पर लदा के आवा तानी से डॉक्टर से भेट ले के हमनी के आवा चीज भर तानी से। बहुत तरह के दिक्कत बा, कोनो साधन नहीं थे, बाढ़ आइले कारण बहुत तरह के दिक्कत हो जाला। यहाँ रोड के ऊपर बहुत ज्यादा पानी हो जाला। यहाँ पे ना सरकारी नाव बा, ना स्टीमर बा, ना कुछ बा। जब भी सफर करे पड़ेगा प्राइवेट नाव के द्वारा सफर करे पड़ेगा। अगर कोनो तरह की अगर परेशानी हो, तबियत खराब हो गई तो यहाँ ना गाँव में हॉस्पिटल बना पूछे बा, इंतजार कर सवेरे 9 बजे के बाद में कोनो तरह के प्राइवेट नाव के सहारा साधन लेवे पड़ेगा, सहारा लेवे पड़ेगा। ना सरकार की तरफ से अभी तक राहत सामग्री ना मिलेगा। वही कोरोना काल में कई अस्पतालों में खून की कमी की खबर लगातार सामने आ रही है। इसी को देखते हुए सोनभद्र में अखंड भारत गौ सेवा संस्थान द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में कई लोगों ने रक्तदान किया। वहीं रक्तदान को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। बता दें कि यह सारा खून संस्थान द्वारा जिला अस्पताल को दी जाएगी। जो है हमारा संकल्प है हमारे अखंड भारत गौ सेवा संस्थान का कि कम से कम 11 बार का संकल्प है, 11 जगह पर अलग अलग जगह पर रक्तदान का कार्यक्रम हम सभी करेंगे। और जैसे कि कोरोना काल में देखा गया कि सभी पीड़ित थे और सड़कों पर खून के लिए अथवा ऑक्सीजन के लिए दौड़ रहे थे और उसकी रक्षा के लिए, सबके प्राण की रक्षा के लिए हमने यह कदम उठाया है रक्तदान। और रक्तदान को बताया गया है महादान। प्राणों से राष्ट्र बड़ा होता है, जब हम मरते हैं तो राष्ट्र खड़ा होता है। आज वही समय आ गया है कि हमको जो है राष्ट्र के लिए खड़ा होना होगा, एक दूसरे
आश्रय के लिए खड़ा होना होगा। जिले में भी दो तीन जगह कार्यक्रम हो चुका है और ये महामारी को देखते हुए प्रथम प्राथमिकता तो हमारे अखंड भारत गौ सेवा संस्थान जो है वो गौशाला संबंधित है, लेकिन ये महामारी को देखते हुए जिले में ब्लड बैंक में ब्लड की कमी होने के कारण जो है हमने ये रक्तदान महाशिविर का कुंभ हर जगह लगवा लगवा के कैंप पर और सहयोग कर रहे हैं। और ये रक्तदान का शाब्दिक अर्थ है जीवन दान। अब आप उससे पूछिए जिसके मरीज है जिसके घर वाले हॉस्पिटल में रक्त के लिए तड़प रहे हैं, तब उसका वह महत्व समझेगा, व्यक्ति के रक्त का कितना बड़ा महत्व है। और शेखपुरा में जिला स्वास्थ्य विभाग के देखरेख में पोलियो अभियान की शुरुआत की गई। सिविल सर्जन की मौजूदगी में शुरुआत किए गए अभियान में शहर के कई बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। यह अभियान शहर में 27 जून से 1 जुलाई तक चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत 5 साल तक के सभी बच्चों को पोलियो की दवा दी जाएगी। हमारे देश से पोलियो मुक्त हो गया है, लेकिन निकटवर्ती कंट्री में जिससे बांग्लादेश पाकिस्तान अफगानिस्तान में अभी भी केस मिल रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में केस आ रहे हैं, तो पड़ोसी देश में जब तक नहीं तब तक रहते तब तक इंडिया में भी यह काम चलता रहेगा। आज जून से 27 जून 2021 से 10 जुलाई 2021 तक कल दिवस में कल पोलियो अभियान चलेगा। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।